अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो फ्रेंड? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो कुल्फ़ी बनाने का तरीका है। घर पे कज़न वगैरह आए हुए थे तो सोचा कि कुल्फियाँ बनाई जाएँ, तो साथ साथ मैंने वीडियो भी बना ली। मैंने सबसे पहले तो बादाम को क्रश किया, बारीक बारीक काट लिया मैंने बादामों को ना। उसके बाद मैंने ओरियो के बिस्किट लिए, घर पे पड़े थे कुछ बिस्किट रखे जाते हैं मेहमान वगैरह के लिए, बच्चे वगैरह आते हैं तो छोटे बच्चों के लिए लेके रख देते हैं। बिस्कुट को मैंने निकाल दिया है पैकेट से और मैंने इसको अब मैंने क्रश करना है, बारीक बारीक पीस लूँगी। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो दूध में डाल के, वैसे भी कर सकते हो पाउडर बना लें, वैसे मोटा मोटा कर लें, दूध में वैसे ही मेल्ट हो जाते हैं। मैंने इसको कूट लिया था। व्यूवर्स, आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और काइंडली आप लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। कोई बात, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे दिया करें। ये मुझे लग रहा था कि बिस्किट कम है तो फिर मैंने थोड़े और पैकेट में ही ना क्रैश कर लिए इस तरह ना, ताकि बाहर ना गिरे खोले बगैर ही। छोटे बच्चे आए हुए थे, कज़न वगैरह, उन्होंने ज़िद की कि आप ही, अब मैंने बना के दें कुल्फ़ी, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। घर पे ही सामान पड़ा था, बाज़ार से कुछ भी नहीं मंगवाया मैंने। चलो बच्चे भी खुश हो गए कुल्फी खा के। और मैंने इसको एक छोटी सी पतीली में डाला क्रश किए हुए बिस्कुट को। देन इसमें मैंने दूध ऐड डाला है, दूध ऐड किया है मैंने। इस किसी भी चम्मच से आप इसको मिक्स कर लें। मुझे लग रहा था कम है दूध, थोड़ा मैंने और डाल दिया दूध। अब मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया थोड़ा, मतलब कि ना इसमें सारे बिस्कुट वगैरह मेल्ट हो जाएं और अंदर जो बिस्कुट अंदर क्रीम लगी होती है वो भी, इस तरह ना दूध के अंदर सारी चीज़ें अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाएं। हल्की आंच पे ना आप इसको मैं
गाढ़ा ही करना है बस थोड़ा ना, आप दूध को इस तरह ना गाढ़ा कर दीजिए ताकि ये अच्छे से बन जाए। इस तरह ये मैंने कुल्फी के लिए हुए थे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि बाहर ना गिरे। मैंने थोड़े मैंने इसमें ऊपर से बादाम भी ऐड कर दिए, अभी बच्चे खुश हो जाएंगे बादाम वाली कुल्फी खा के। कुल्फी स्टिक लगा दिया मैंने इसमें ना, अब कुल्फी स्टिक लगा के अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी। बहुत मज़े की बनी थी ये कुल्फी, आप भी घर पे ट्राई करें इस तरह की कुल्फी। और मुझे बताएं कि मेरी कुल्फी कैसी बनी। आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।